नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती और इनके पूरी फैमिली ने, जिसमें मेमो चक्रवर्ती भी शामिल है, योगिता बाली है, सबने मिलकर के एक कंपनी को शुरू की है, मायरन मूवीज, MYRND मायरन मूवीज, जिसके अंतर्गत वे शॉर्ट फिल्में बनाएंगे और रीजनल मूवीज भी बनाएंगे, वेब सीरीज भी बनाएंगे, OTT के लिए भी पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे, साथ में दोस्तों बड़ी फिल्में भी बनाएंगे। तो अभी उनकी हाल ही में फिल्म आई है जिसका नाम था भारा चमन प्रकाश, शॉर्ट फिल्म थी, 13 मिनट की फिल्म थी करीब, और इसका रिव्यू मैंने आपको दिया था, काफ़ी बेहतरीन फिल्म है। नमासी चक्रवर्ती की काफ़ी अच्छी एक्टिंग देखने को इस फिल्म में मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैं स्टेप इसको बोलूँगा कि उन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू की है, क्योंकि ज़्यादा मौके बॉलीवुड से इनको मिलेंगे नहीं। ये आप भी जानते हैं, बैड बॉय फिल्म आई थी इनकी, ज़्यादा चली नहीं, राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर थे फिल्म में, इनके अभिनय को भी पसंद किया गया था, काफ़ी सराहना मिली थी, लेकिन फिल्म का ना तो प्रमोशन किया गया था, ना ही फिल्म की कोई हाइप बना पाए थे, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। लेकिन फिर उनको कोई मौका दिया भी नहीं गया बॉलीवुड की तरफ से, तो आप भूल जाइएगी, नमासी चक्रवर्ती को कोई मौका देगा तो नमासी को या मेमो चक्रवर्ती को कोई बड़ा प्रोड्यूसर बॉलीवुड का साइन करेगा, ऐसी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है, अच्छा इनिशिएटिव है, और इसके तहत ये कई फिल्में बनाएंगे। तो अभी इनकी मेरा नाम भारा चमन प्रकाश तो आ ही चुका है, और अभी इजहार फिल्म भी आने वाली जल्दी ही, ये भी एक शॉर्ट फिल्म होगी, उसके बाद में एक वेब सीरीज आएगी, एक काफ़ी सस्पेंस थ्रिलर मूवी, सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है, और एक और शॉर्ट फिल्म जिसका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, वो भी आने वाली है। तो काफ़ी सक्रिय हो गए नमासी चक्रवर्ती, और ये अच्छी बात है, अपना रास्ता खुद को ही बनाना होता है आजकल, तो ये अपना रास्ता बनाने की ओर अग्रसर है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी फिल्म इनकी शुरू होगी जल्दी ही, महेश भट्ट प्रोडक्शन के साथ इनका कोलोब्रेशन हुआ है, तो इसको विपुल दास से डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने लापता लेडीज फिल्म को डायरेक्ट किया था, तो ये भी एक बड़ी फिल्म इनकी हो सकती है, और इससे इनकी बड़े पर्दे पर अच्छी वापसी हो सकती है। प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टैलेंट तो इनमें है ही। अब साथ ही इनका एक मैंने स्टेटमेंट भी देखा है कि इन्होंने उनको, उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया है जिन्होंने जिन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के प्रति नेगेटिविटी फैलाई है, उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। अपने ट्विटर पे उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मानता हूँ कि जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं और मैदान, इन्होंने अंडर परफॉर्मेंस किया है, अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन फिर भी इनके प्रति इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाई जा रही है, क्यों इतनी हेट फैलाई जा रही है इन दोनों ही फिल्मों के प्रति, और ये पूरी इंडस्ट्री ही एक तरीके से टॉक्सिक है। इस तरह से उन्होंने पूरे इंडस्ट्री पर सवाल खड़े कर दिए कि क्योंकि फिल्मों को ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं है, स्पेशली BMCM को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला इंडस्ट्री की तरफ से, कहीं से भी मतलब ऐसा कुछ आया नहीं, सबने रोस्टेड रिव्यू, नेगेटिविटी फिल्म की शुरू से ही रिलीज के साथ ही फैलानी शुरू कर दी थी, और मैदान को भी 2-3 दिनों के बाद में कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, बाकी वो उतना ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं फिल्म को, ना ही पब्लिक से मिला, नेगेटिविटी काफ़ी रही थी दोनों ही फिल्मों के प्रति, विशेषकर बड़ी मियाँ छोटी मियाँ के प्रति तो काफ़ी मतलब नेगेटिविटी फैलाई गई। तो नमस्ते का ये कहना है कि ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, फिल्म ने अगर अंडर परफॉर्मेंस किया है कोई बात नहीं, फिल्म है, कोई चलती है कोई नहीं चलती, तो ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट्स नमासी चक्रवर्ती के आए हैं। बाकी देखते हैं इंडस्ट्री नमासी चक्रवर्ती की टैलेंट को कब स्वीकार करती है, कब उनको बड़ी फिल्मों में मौके देती है, नहीं देती है, या नमासी एक ऐसी फिल्म बनाए, बड़ी फिल्म बनाए, जिससे जो मैं उम्मीद करता हूँ कि महेश भट्ट के साथ जो उनका कोलोब्रेशन है, जो उनके साथ जो उनकी फिल्म आएगी, वो शायद उनको एक बड़ा ब्रेक दे और बड़ी वापसी वो फिर से एक बार बड़े पर्दे पर करे। एक मौके की जरूरत है, अगर एक बार चल गए तो फिर चल गए, फिर जो अभी उनसे दूर भाग रहे साइन करने के लिए वो सब आएंगे फिर, क्योंकि यहाँ उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे ही और अपडेट्स आते हैं नमस्ते की फिल्मों के बारे में लगातार आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलना।